सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन से निकले असहयोग आंदोलन के रंग में पूरा देश रंग चुका था। वहीं से निकली विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की लौ ने पूरे देश में जगह जगह विदेशी वस्त्रों की होली जला दी। गांधी जी ने केसरे हिंद का पदक लौटा दिया और पूरे देश का दौरा किया। लंबी दूरी पैदल ही तय की, भूखे रहे, मुश्किल से मुश्किल जगहों तक पहुंचे। कतार के आखिरी व्यक्ति तक गांधी जी पहुंच रहे थे और इसके लिए उन्होंने सैकड़ों सभाओं को संबोधित किया। गांधी जी से प्रभावित होकर हजारों छात्रों ने ब्रिटिश हुकूमत के सरकारी स्कूल और कॉलेजों को छोड़कर राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश ले लिया। कांग्रेस की बहिष्कार वाली नीति पूरे देश में आग की तरह फैल रही थी। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल बन गए। काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया, गुजरात विद्यापीठ जैसे संस्थानों ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहिष्कार के आह्वान पर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास, सी राजगोपालचारी, सैफुद्दीन किचलू, असफ अली जैसे कई प्रसिद्ध वकील वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। तिलक स्वराज फंड में उम्मीद से कई गुना धनराशि इकट्ठा हो गई। मानो देश का हर एक व्यक्ति खुद को असहयोग की ज्वाला में झोंक चुका था और तानाशाह ब्रिटिश हुकूमत को खाक कर देना ही एकमात्र लक्ष्य था। इसमें किसान वर्ग सड़कों पर था, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, महिलाओं ने तिलक फंड में अपने गहने तक दे दिए, हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर थी, मध्यम वर्ग ने नौकरियां छोड़ दी, व्यापारियों ने आर्थिक बहिष्कार में सहयोग किया। ब्रिटिश तानाशाही के खिलाफ ये राष्ट्रीय जन सहभागिता ब्रिटिश हुकूमत के अंत का संकेत थी। हमें अपनी धरोहर को नहीं भूलना है। हमारी धरोहर त्याग और एकता से बनी है, जिसको हमें मजबूत बनाना है। जय हिंद।